श्री राम समर्थ मार्च 26। गृहस्थी का विषय सुख असली सुख नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ वरिष्ठ बड़ा हो, फिर भी उसकी गृहस्थी में कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई कमी नहीं या कोई त्रुटि नहीं, ऐसी गृहस्थी संभव नहीं। एकाद कोई व्यक्ति या गृहस्थ कहेगा कि मेरी गृहस्थी परिपूर्ण है, किंतु जो गृहस्थी की अवस्था है वैसी बनी रहे, उसमें कुछ न्यून न हो, ऐसी चिंता उसे होती ही है। अर्थात सच्चा सुख उसे भी दुर्लभ है। कोई अति विषयासक्त होगा, उसे शायद चिंता नहीं होगी। शराब की नशा में जो होता है उसे राजा की भी परवाह नहीं होती, वस्त्रों की सुध नहीं होती, वह अपने नशा की मस्ती में आनंद में होता है। किंतु यह अवस्था तब तक ही होती है जब तक उसकी नशा नहीं उतरती। विषय सुख परावलंबी विषयों पर निर्भर होता है। विषय नश्वर होते हैं, वे हमसे कभी ना कभी दूर होने वाले होते हैं। कम से कम हमें उनसे एक दिन अलग होना है, यह निश्चित है। दूसरी बात यह है कि विषय सुख इंद्रियों पर निर्भर होते हैं। जब इंद्रिय विकल होते हैं, पूर्ण थक जाते हैं, तब उनसे सुख कैसे प्राप्त होगा? कल हम मरने वाले हैं, यह जब ज्ञात होगा तो किस विषय से हमें सुख होगा? सारांश, विषय में सुख नहीं है। जो हमें लगता है कि इसमें हमें सुख है, वह हम ही में होता है, किंतु हमें लगता है कि विषय से हमें सुख मिलता है। वस्तुतः हम धोखा खाते हैं। फिर सुख किसमें है? बहुत वस्तुएं बहुत मात्रा में मिलने पर बहुत सुख मिलता है, यह केवल भ्रम है। सच्चा या बहुत सुख अर्थात हमेशा का सुख सनातन सुख है। वह सनातन वस्तु के पास ही अर्थात भगवान के पास ही उपलब्ध होता है। हमारी ही तरह पशुओं को भी विषय सुख की भावना होती है। उनमें और हम में फिर क्या भेद है? मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, ऐसी विचार पद्धति को सारासार विचार कहते हैं। गृहस्थी में भी हम विचार करते ही हैं, किसमें लाभ हैं, किसमें हानि हैं, यह भी जानते हैं। किंतु सभी बातें जब सारहीन अर्थात असार हैं, तो उसमें सार कैसे प्राप्त होगा? जो स्थिति है उसमें हम संतोष नहीं मानते, उससे अधिक सुख की इच्छा करते हैं। देवता की भक्ति, संतों के समीप जाना, ये सब विषय की उपलब्धि हो इसलिए किए जाते हैं। फिर अपनी यह भक्ति विषयों के लिए हुई या संतों के लिए? देवता संत इनका उपयोग क्या हम अन्य बातों की तरह विषयों की प्राप्ति के लिए नहीं करते? बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम नहीं होगा, यह भगवान की सूचना है, ऐसा समझकर हम वापस आते हैं। किंतु प्रथम पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो दूसरी पत्नी कब मिलेगी, इसका विचार हम करते हैं। सारांश, हमारा ध्येय विषय होता है और उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। सत्य तो यह है कि जो आदमी गृहस्थी के अपने अनुभव से भविष्य का रास्ता ठीक नहीं करता, वह कभी सयाना नहीं होता। आज का मुख्य विचार, गृहस्थी से सुखी होने का मतलब भगवान का होना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.